हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे का कोरमा बनाने की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम पर यह टेस्टी और डिलीशियस अंडे का कोरमा बनकर तैयार है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसी अंडे के कोरमा को आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। आप किसी को भी ये एक कोरमा बनाकर खिलाएंगे, सभी को ये कोरमा बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो वीडियो को आप इन तक जरूर देखें, जिससे कि आपका भी ये टेस्टी कोरमा बनाना आसान हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूले। एक कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 50 ml तेल को गरम कर लिया। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब इसमें 3 मीडियम साइज की प्याज इस तरह स्लाइस में कट करके ऐड कर देंगे और प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये इस तरह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की न हो जाए। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज अच्छे से ठंडे होने के बाद इसे ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे। 810 ये कुटे हुए काजू है, कूट कर काजू ऐड करें तो ये फटाफट आसानी से पीस जाते हैं। 1 इंच कटा हुआ ये अदरक का टुकड़ा है, 10 से 12 ये छिली हुई लहसुन के छोटे टुकड़ों में कटकी हुई कलियां भी इसमें ऐड करेंगे। 2 हरी मिर्च इसमें कट करके ऐड कर देंगे और 50 ग्राम इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करके इसे अच्छे से कवर करके इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर इस तरह से तैयार कर लेंगे। पेस्ट बनकर तैयार है, इसे एक साइड में रख देंगे। इसी तेल में मैंने प्याज फ्राई करी थी, इससे मैंने आधा तेल निकाल लिया और इसमें हम 20 ml तेल और ऐड कर देंगे। ये सरसों का तेल है, इससे जो अंडे की करी है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। 8 अंडों का हम कोरमा बनाकर तैयार कर रहे हैं। इसे बॉईल करके अच्छे से इस तरह से दोनों साइड से हल्का हल्का कट लगाकर तैयार कर लेंगे और तेल गर्म होने पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर 1/2 टीस्पून से कम हल्दी और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अंडों को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना, इसे बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। हल्का सा इसका जब कलर चेंज होगा तब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर अंडों को 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया। जब इस तरह से हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तब इसे हम निकाल लेंगे। तो अंडों को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, तो इस तरह से हम इसे फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। इसी बचे हुए तेल में 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। 3-4 हरी इलायची इस तरह से मुंह खोलकर इसमें ऐड कर दें और 3-4 हम इसमें लौंग भी ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 1-1.5 मिनट फ्राई कर लेंगे। मसाले अच्छे से फ्राई होने के बाद जो मसालों का हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया इसमें पूरा पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया है। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो हमारे सबसे पहले देखने को मिलेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूले। मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून से कम इसमें हल्दी ऐड करी और 1/2 टीस्पून से कम ये जीरे का पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से अंडे का कोरमा बनाएंगे तो सभी आपकी इस कोरमे की रेसिपी को बहुत ही पसंद करेंगे। अब इसी ग्राइंडिंग जार से हम 1/2 कप इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। अब इसी ग्राइंडिंग जार से हम 1/2 कप पानी भी ऐड कर देंगे जिसमें हमने मसाले पीस के तैयार किया था। अब इसमें 1.5 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करके इसे भी मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे। एक कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मसालों की भुंजाई आपको बहुत ही अच्छी करनी है। जिस तरह से मसाले अच्छे से भुंजे होंगे उसी तरह से आपकी ग्रेवी बनेगी। तो मसालों को इस तरह से मैंने मीडियम फ्लेम पर ये देखिए तेल छूटने तक फ्राई कर लिया है। जब मसाले इस तरह से फ्राई हो जाए तभी आपकी ग्रेवी टेस्टी बनेगी। तो इसे हम दोबारा आपको चलाकर दिखाएंगे। एक करी बनाने के लिए मसाले एकदम परफेक्ट भूंजकर तैयार है। दानेदार ये मसाला भुंजा हुआ ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। एक कोरमा बनाने से पहले आपको इस तरह से मसाला तैयार कर लेना। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अगर आपको कसूरी मेथी कोरमा में पसंद हो तो आप ऐड करें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें मुझे टेस्ट इसका अच्छा लगता है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे भी अच्छे से मसालों में मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 30 सेकंड मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। इसके बाद एक कोरमा की हम ग्रेवी बनाएंगे। इसमें मैंने सिर्फ 100 ml पानी ऐड किया है, पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। कोरमा की जो ग्रेवी है वो गाढ़ी होती है, तो इससे ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे और इसे हम अच्छा सा उबाल आने तक पकाएंगे। जब ग्रेवी में इस तरह से उबाल आ जाएगा तब इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए अंडे। 1/2 टीस्पून इसमें होममेड गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। होममेड गरम मसाले का जो टेस्ट है वो कोरमे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और साथ ही साथ इसमें खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। इसे भी कोरमे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से एक बार कोरमा बनाएंगे फ्रेंड, तो हमेशा इसी अंडे के कोरमे को आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट पकने देंगे। कढ़ाई को ढक्कन लगाकर कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और गाढ़ी ग्रेवी वाले अंडे का ये कोरमा बनकर तैयार है। इसमें जो खुशबू है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। इस कोरमे को मैं आपको चलाकर दिखाती हूँ। देखिए, गाढ़ी ग्रेवी वाला टेस्टी एक कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। तो इससे ज़्यादा इसे हम यहाँ नहीं पकाएंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
आप इस अंडे के कोरमे को गर्मा गर्म नान रोटी रुमाली रोटी चावल किसी के साथ भी सर्व करेंगे, सभी के साथ आपको ये अंडे का कोरमा बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से अंडे की इस गाढ़ी ग्रेवी का कोरमा बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।